दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्निकल एक्शन वाले चैनल को और दबाएं बेल आइकन लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में डीवाई टेक्निकल एक्शन अग्रवाल। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जियो फाई के बारे में, इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ और इसके अनबॉक्सिंग भी करने जा रहा हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इससे आपको मिलते रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हमारी आज की वीडियो को। दोस्तों जियो फाई की मैंने जियो फाई अमेज़ॉन से ऑर्डर करा है, जिसको आप जियो फाई JMR815 भी कह सकते हैं। वैसे इसको जियो फाई 6 ज़्यादा लोग जियो फाई 6 कहते हैं, और इसके शेप बिल्कुल राउंड है दोस्तों। अब जियो फाई जैसे जियो फाई 5 की शेप थी थोड़ी ओवल टाइप की थी, और जियो फाई 1 और 2 की शेप एक जैसी थी, बस कलर का थोड़ा डिफरेंस हो गया था। और ऐसे जियो फाई 4 के अंदर भी हुआ था, जियो फाई 4 बिल्कुल चौकोर था। और दोस्तों इसके अंदर आपको शेप बिल्कुल सर्कल में मिल जाती है, जिसके अंदर आपको एक बैटरी, एक अडेप्टर, एक डेटा केबल और आपको अपना आपका मेन जियो फाई मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक जियो फाई का यूज़र मैनुअल, जियो 4G वॉइस आप इसके अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका एक गाइड और इसका वारंटी कार्ड, जिसके अंदर आपको जियो फाई पर आपको 1 ईयर की वारंटी और इसके एसेसरीज पे 6 मंथ्स की वारंटी मिल सकती है। अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं, अगर आप रिटेल में बाय करते हैं, किसी शॉप से बाय करते हैं तो मेरे को उसके बारे में नहीं पता। अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप अमेज़ॉन से बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उधर जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो उसमें देखिए इस तरह का आपको जियो फाई दिख जाता है, जैसे आपको टॉप पे जियो लिखा हुआ मिलता है, और इधर आपको एक चार्जर के लिए पोर्ट मिल जाता है, जो कि आपका मोबाइल और मोबाइल का पोर्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप चाहे तो उस मोबाइल के चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। बट इधर आपको एक पावर बटन मिल जाता है और एक WPS मिल जाता है, जिससे आप अपना वाईफाई ऑन कर सकते हैं। जियो 4G वॉइस को स्टार्ट करने के लिए और जियो फाई को स्टार्ट करने के लिए आपको पीछे गाइड मिल जाता है। और अगर आप इसको ओपन करते हैं, ये फीचर से जैसे मोबाइल ओपन होता है उस तरीके से होगा, तो इधर आप एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं और एक सिम कार्ड भी लगा सकते हैं। सिम कार्ड तो दोस्तों आपको इसमें जियो का ही मिले, जियो का ही लगा सकते हैं, अगर आप और सिम कार्ड लगाएंगे तो सपोर्ट नहीं करने वाला। और दोस्तों मेमोरी कार्ड अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इसके अंदर, और आप जब जियो फाई को मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो आप उस टाइम पे अपने मेमोरी कार्ड का डेटा भी मोबाइल से शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप सिम इजेक्ट करेंगे तो आप थोड़ी ध्यान से इजेक्ट कीजिएगा, काफ़ी टाइट होता है ये। हाँ इजेक्ट हो चुकी है। उसके नीचे जो वाइट कलर का जो आपको इधर मिल जाता है बारकोड, और ये कम्युनिटी और वेब कन्फ्यूजर पेज, ये दोस्तों इधर कुछ आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पासवर्ड इसके अंदर, अगर आप पासवर्ड इसका देखना चाहते हो तो आपको मिल जाता है इधर WPD जो इधर लिखा हुआ है उसका पासवर्ड, WPD जो इधर पासवर्ड लिखा हुआ है, और इधर आपको IMEI मैक ID EAN RSN इधर आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और जो दोस्तों इसका यूज़र होगा SSID, जो इसका यूज़र नेम है वो होगा SSID JioFi_1085A93 मेरा इसका यूज़र नेम ये है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप दोनों चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इधर आपको इधर यूज़र नेम /पासवर्ड इधर आपको नीचे मिल जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों चीज़ें आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसलिए इधर एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। और अगर आप जियो चेंज करना चाहते हैं तो JioFi.local.html पर जाके चेंज भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इसको ऑन करूँ तो बैटरी निकाल लेता हूँ, बैटरी आप इधर आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और इसको आप दोस्तों 3 to 3 hours या 2 hours ज़्यादा चार्ज मत कीजिएगा, क्योंकि इससे इसकी बैटरी ख़राब हो सकती है। और इससे आप इसको आप सिंगल फुल चार्ज के अंदर आप इसको 8 hours या 9 hours आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने जियो फाई इधर ऑन कर दिया, मैं इस पावर बटन दबा के, ये दोस्तों आपको देखिए सिग्नल मिल चुका है। इस समय पहले से बैटरी बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल रेड सिग्नल आपको शो करता है इधर। आप इसको एक बार इसको छोड़ दीजिए, आपको 2 बार इसको प्रेस करके रखना है, जिससे इसका सिग्नल्स भी आने लग जाए।
सिग्नल जब आएंगे जब आप इसको जब आप इसके अंदर सिम डाल देंगे। देखिए दोस्तों उसके अंदर सिग्नल्स भी आ चुके हैं, आपको उधर डब्ल्यू पी एस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है जिससे आपका वाईफाई भी ऑन हो जाएगा। तो जैसे आप डब्ल्यू पी एस को ऑन करेंगे तो आपको इस तरीके से सिग्नल्स आ जाएंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मेरी बैटरी का सिग्नल ब्लू है, मैं इसको चार्ज कर चुका हूँ इसलिए इधर ब्लू सिग्नल शो कर रहा है। वो ब्लू सिग्नल का मतलब है बैटरी मीडियम है, अगर बैटरी का सिग्नल रेड होगा तो बैटरी बिल्कुल लो है, आपको चार्ज कर लेना चाहिए। और अगर बैटरी का सिग्नल ग्रीन होगा मतलब बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, सिग्नल ग्रीन होगा तो काफ़ी बढ़िया नेटवर्क आ रहा है, अगर सिग्नल रेड होता है तो बेकार नेटवर्क आ रहा है, और ब्लू होता है तो नेटवर्क मीडियम आ रहा है। और वाईफाई के अंदर अगर आपका जैसे आप देख रहे हैं ब्लू कलर, इसका मतलब ये डिवाइस अभी किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है, और अगर ये ग्रीन हो जाता है इसका मतलब ये किसी डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इधर बॉक्स देखते हैं तो बॉक्स पे भी ऐसा लिखा हुआ है आप इसमें 31 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, 3000 mAh की बैटरी है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। वायरलेस शेयरिंग थ्रू SD कार्ड है जो मैं आपको बता ही दिया, और क्रिएटिव ऑन हॉटस्पॉट जैसे कि दोस्तों काम करता ही है, आप इसे खुद को हॉटस्पॉट बना सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी बढ़िया जियो हाई है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है 150 Mbps की, 150 Mbps की, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और अब आप जियो की अब ये मैक्सिमम में इसका मतलब आपको जो आप जनरली यूज़ करेंगे अगर सिग्नल ग्रीन आ रहा है तो आपको स्पीड मिलने वाली है इधर 15-20 Mbps की, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, आजकल ज़्यादा जियो सिग्नल्स भी नहीं आते, ये शायद उससे भी आपको कम से स्पीड मिले क्योंकि तो उसमें मैक्सिमम लिख रखा है। मतलब अगर आप बिल्कुल ऐसी जगह पर जाके चलाते हैं जहाँ पर फुल नेटवर्क आ रहा है उधर ही इसकी 150 Mbps भी स्पीड शायद रियली पहुँचेगी, मैंने कभी ट्राई नहीं करा। इसके अंदर जो मैं इसको यूज़ करता हूँ उधर इसकी स्पीड 5 Mbps 6 Mbps के करीब इसकी स्पीड आ जाती है। जियो 4G वॉइस ऐप्स के अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके सिर्फ सिम डाल देंगे अपने फ़ोन में, आप जियो 4G वॉइस ऐप इंस्टॉल कीजिए और उधर आप जो जियो फाई उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, और आप जियो फोर जी वॉइस को जब आप ऑन करेंगे तो उधर आपको ऑप्शन मिलेगा जियो फाई का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने जियो फाई में सिम डाल रही क्योंकि जियो की, उस सिम का जो ऑल्टरनेट नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा। ऑल्टरनेट नंबर क्या होता है, जब आप सिम बाय करते हैं तो उसके तो उस टाइम एक शॉप जो जिससे आप सिम बाय करेंगे वो आपसे एक ऑल्टरनेट नंबर पूछता है, तो आपको वो ऑल्टरनेट नंबर आप अपने मर्जी से दे सकते हैं। आप जो आप नंबर देंगे वो नंबर चालू होना चाहिए, उस नंबर पे एक मैसेज आएगा, आपको वो मैसेज डालना होगा, OTP डालना होगा, उस मैसेज में लिखा होगा और आपका जियो 4G वॉइस है वो आपका अपने आपके मोबाइल में ऑन हो जाएगा, और जब भी आप कहीं कॉल करेंगे तो आपकी वो कॉल जियो 4G वॉइस के थ्रू जाएगी और इसी नंबर से जाएगी जो आपके जियो फाई के अंदर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जियो 4G वॉइस के अंदर जाके ही कॉल करनी है। ये दोस्तों डिज़ाइन इन इंडिया लिखा हुआ है, ये इंडिया में डिज़ाइन है, वैसे मेड इन चाइना है। और दोस्तों उसकी अडेप्टर की बात करें तो इधर अडेप्टर आपको मिल जाता है 5 वोल्ट का, और बैटरी इधर आपको 3000 mAh की मिल जाती है, और डेटा केबल जो USB केबल है ये आपको ज़्यादा लंबी नहीं मिलती। थोड़ी आपको इधर थिक वायर मिल जाती है और चार्जर्स के मुकाबले इधर आपको काफ़ी थिक वायर मिल जाती है। इसकी भी डिज़ाइनिंग काफ़ी बढ़िया है। और सो ये हमारे को जियो 4G वॉइस सपोर्ट करने वाले जियो फाई है, और अगर आप जियो 5 1 2 3 परचेज़ करते हैं या फिर 5 6 वाला, अगर आप इससे पहले वाले वर्जन परचेज़ करते हैं जब भी आपको वही वाला प्राइस 1000 रुपीज़ प्राइस पड़ने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप जियो फाई लेने की सोच रहे हैं तो आप जियो फाई 6 ही लें। तो दोस्तों अगर आप कोई सा भी जियो फाई ले लो आपको प्राइस वही पड़ने वाला है, हाँ पर इसके अंदर आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है और बाकी सब में 2500 mAh की बैटरी है। काफ़ी बढ़िया जियो फाई है, मैं आपको सिग्नल इंडिकेटर समझा ही चुका हूँ, पावर बटन, WPS जिससे आप अपना वाईफाई ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये बात पासवर्ड चेंज करने की कि आप उसका पासवर्ड कैसे चेंज करें, उसके वीडियो में आपको ज़रूर बना के दूंगा, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इधर आपको एक लिंक मिल जाती है http://geofi.local.html, आप इस पर जाके अपने जियो फाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मैं इस पर आने वीडियो बना ही दूंगा। और दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे आपको मिलती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल के लिए अपडेट सबसे पहले। Stay tuned with Technical Asha Agarwal.